कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे। पूरे थाने को बदल दिया गया है, एसपी बदल दिया गया है वहां पर, और एसपी सस्पेंड किए गए हैं। गुनाह तो हुआ है वहां पर, एक बड़ी आगजनी घटना हुई है, गलती जो किया होगा वो सजा पाएगा। एसपी वहां उपस्थित तो उनको अपने जिम्मेवारी को ढंग से निभाना चाहिए था। सरकार का कोई दबाव नहीं है, सरकार का दबाव होता तो हमको पता है भूपेश बघेल जी कैसे दबाव करते थे। हरिचंद बैगा की मृत्यु हुई थी ऐसे ही कस्टडी में, क्यों नहीं गए थे? अभी नेतागिरी पहुंच करने जा रहे हैं, अभी वो राजनीति करने जा रहे हैं। गांव हमारा है, हम संभाल रहे हैं और संभालेंगे। किसको सस्पेंड किया था कवर्धा में जब पिटान पड़ी थी लोगों को, हमको भी और सबको? उनको पुरस्कृत किया गया था जिन्होंने डंडे मारे थे। वीरनपुर के समय में किस तरह के वोट बैंक की इनकी राजनीति थी जिसके कारण जाकर वहां खड़े नहीं हुए, जब उनके घर के सामने एक अपंग व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति जलकर खत्म हो जाता है, तब जाकर वो सामने क्यों नहीं बैठे, उसके पास क्यों नहीं मुलाकात किए? हिंदू परंपराओं के संदर्भ में बोल रहे हैं, दूसरी परंपरा में बोले तो सरतन से जुदा हो जाएगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 20 सितंबर को दुर्ग जिले के जो जिला जेल है उसमें एक बंदी की मौत के बाद जो है आज निरीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जेल पहुंचे। यहां उन्होंने जो है दुर्ग का जेल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद लोहारी डी गांव में जो बवाल हुआ उसको लेकर भी तमाम जानकारियाँ दी। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों जो है डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो एसपी हैं, बड़े चर्चित एसपी रहे हैं, उनको कवर्धा जिले से हटाया गया है। इसके अलावा जब उन्होंने राजनीति के बारे में बात की, इस मामले में किस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर उन्होंने भूपेश बघेल की एक तरीके से बखिया उधेड़ दी। उन्होंने सवाल उठाया, जब ईश्वर साहू के बेटे की हत्या की गई थी तब वो वहाँ क्यों नहीं गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक आदिवासी युवक की मौत के बारे में भी पूछा और सवाल किया कि वो वहाँ क्यों नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अब केवल राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आप सुनिए कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए और क्या क्या जानकारी दी और किस आक्रामक अंदाज में विपक्ष की राजनीति को आईना दिखाया। कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अलग है, आप तो समीक्षा कर लें पहले, आप समीक्षा कर लें। एक मौत हुई है जिसके बाबत पंचनामा हुआ है, कांग्रेस के विधायक वहाँ सामने थे तो हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है इस प्रक्रिया का, कोई विषय नहीं, बिल्कुल सामने रहे, गलती जो किया होगा वो सजा पाएगा। पूरे थाने को बदल दिया गया है, एसपी बदल दिया गया है वहाँ पर, और एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं। जांच आयोग बिठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर जाँच होगा, जो गुनहगार होंगे वो सजा पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। सर क्या लगता है आपको, क्या हुआ था मामला? मुझे दो घटनाएं हुई थी, एक मध्य प्रदेश की सीमा में लाश मिली थी, उसके बाद गांव में आक्रोश हो गया और गांव वालों ने एक आगजनी की, ऐसा पता चलता है, और फिर उस आगजनी में मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति रघुनाथ साहू हैं उनके नाम की, जल गए वो, उनकी पत्नी भी काफ़ी जल गई, और इस आक्रोश के कारण फिर पुलिस के साथ भी गाँव वालों की कुछ जुमाझट की हुई, जिसमें बाद में फिर पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की। उन गिरफ्तारियों में कुछ ये बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं होने चाहिए, चूंकि वो मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति के साथ थे जो खत्म हो गए थे, उनको उनके पोस्टमार्टम में थे या उनके इसमें थे, कुछ सहयोग में थे वहाँ पर, और कुछ ऐसे नाम हैं। तो मैंने बिल्कुल बहुत स्पष्टता कहा है भाई प्रशासन से कि आप इसमें जाँच उचित करें, ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी को भी ला कर रखा जाए, जाँच उचित करें। गुनाह तो हुआ है वहाँ पर, एक बड़ी आगजनी घटना हुई है, तो उस पर जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिसके संबंध में प्रमाण है कि वो दूसरे हैं, तो इनको क्यों रखा जाए, ये बात बहुत स्पष्टता के साथ हुई है, और मैं सोचता हूँ कि जल्द ही इसका निर्णय लिया जाए। एसपी वहाँ उपस्थित थे, एक वीडियो आया जिसको देखा तो उसमें समझ में आई बात कि उनको अपने जिम्मेवारी को ढंग से निभाना चाहिए था, और कलेक्टर साहब का तो रूटीन है, कोई विषय नहीं है, और उस समय जो एडिशनल एसपी जिनकी जिम्मेवारी थी तो उनको सस्पेंड भी किया गया, जांच भी बिठाई गई। मामले को गृह मंत्रालय किस रूप में देख रहा है, क्या इसमें आने वाले दिनों में सीबीआई जांच की भी मांग हो सकती है? जांच कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बनाया है, तो वो जांच कमेटी पहले अपना काम कर ले। सर जेल में किस तरीके से मारपीट की जो आरोप लगे, क्या सच? जेल में मारपीट जो कांग्रेस ने आज बंद बुलाया है
और वो सीधा कह रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सरकार के दबाव में बंद को सफल देख रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना काम कर रही है भाई, सरकार का कोई दबाव नहीं है। सरकार का दबाव होता तो हमको पता है भूपेश बघेल जी कैसे दबाव करते थे। जो बंद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए मेरी बात पहले, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी बीरनपुर क्यों नहीं पहुँचे थे? उसरवाही अभी लोहारीडी गए ना, अच्छा है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बीरनपुर क्यों नहीं पहुँचे थे पूछना चाहता हूँ। हरिचंद भैगा की मृत्यु हुई थी ऐसे ही कस्टडी में, क्यों नहीं गए थे? अभी नेतागिरी पहुंच करने जा रहे हैं, अभी वो राजनीति करने जा रहे हैं। गांव हमारा है, हम संभाल रहे हैं और संभालेंगे, और अभी भी उनको जाना है जाएं, जो इसको आना जाना जाए करें, लेकिन अपने पूरे पुराने दिन याद करें पहले। किसको सस्पेंड किया था कवर्धा में जब पिटान पड़ी थी लोगों को, हमको भी और सबको? किसको सस्पेंड किया था, किसको हटाया था? उनको पुरस्कृत किया गया था जिन्होंने डंडे मारे थे, जिन्होंने बीरनपुर कांड किया था उनको तो पुरस्कृत किया गया था। क्यों उस तत्कालीन मंत्री जाकर वहां खड़े नहीं हुए थे? हम तो गए हैं, हम फिर जा रहे हैं, आज फिर जाऊंगा मैं। मैंने सरकार से मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि और किसी को भी जाना चाहिए तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी एक जाएंगे, टंकराम वर्मा जी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, हम गाँव के साथ है भाई। पूछना चाहता हूँ कि बीरनपुर के समय में किस तरह के वोट बैंक की इनकी राजनीति थी जिसके कारण जाकर वहां खड़े नहीं हुए? पूछना चाहता हूँ मैं इस बात को कि किस तरीके से ये जब हरिचंद बैगा मारा गया था तो जाकर के खड़े नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए थे उस समय जब उनके घर के सामने एक अपंग व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति जलकर खत्म हो जाता है, तब जाकर वो सामने क्यों नहीं बैठे, उसके पास क्यों नहीं मुलाकात किए? अभी राजनीति करनी है उनको, इसलिए नहीं करते। मैं माताओं से, बहनों से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी व्यथा भी कही है, कुछ पीड़ा है मन में कि बच्चे हैं घर में, ऐसा है। मैंने बताया मैं आ जाऊंगा, और मैंने तो जेलर साहब के पास अपना नंबर भी इतने दे रखा है और कहा है कि इनमें से किसी को जरूरत पड़े मुझे बात कराएं, मैं बिल्कुल बात करूंगा। और मैं जाकर के पुलिस को जांच के लिए भी ये कहूंगा कि जांच आप करें जरूर, क्योंकि ये घटना बड़ी घटी, उसमें कोई बात नहीं, वो जांच करें, परंतु इस बात को बिल्कुल ताकीद रखें कि जो बेगुनाह हैं, वो जिनके प्रमाण है बेगुनाह होने के, उनको छोड़ा जाए। मौलामानपुर मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे ताकि सनातन धर्म को एक लोटा जल हर समस्या का हल नहीं। बताओ भला, लोटे में जल चढ़ाना भगवान शंकर को ये भाजपा ने सिखाया किसी को? कोई बता दे भाई मुझे, 1980 में भाजपा बनी है कि भाजपा ने सिखा दिया? भैया जिसको इस तरह की बात करनी है उससे मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं की जानी चाहिए। हिंदू परंपराओं के संदर्भ में बोल रहे हैं, दूसरी परंपरा में बोले तो सरतन से जुदा हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कवर्धा, जैसे कल एक बंदी की मौत यहाँ हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया है कि, सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, हर महीने 5-6 लोगों की यहाँ पर ये होती है, हर साल होती है ना, हर साल के हर महीने में आप एक जानकारी उठाइए कि हर महीने कितनी होती है। जो गड़बड़ है वो कवर्धा वाला जो केस हुआ वो है, परंतु ये जो है किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, नियमित जांच प्रक्रिया के बाद भी होती है। जो तो कांग्रेस की बंद की राजनीति पर कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ बंद है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती है, जबरन है, सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, पुलिस ने जो गड़बड़ी की है उसके लिए सजा हुई है, आयोग जांच उस पर बैठाया गया है, उसके बावजूद अगर ये करना है, सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की, परिवार वाले हमारे साथ हैं, लेकिन जानबूझकर इस बात को ये करना, मैं सोचता हूँ कि ये अनावश्यक राजनीति है, ये नकारात्मक राजनीति है, सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई आरोप सही है अथवा गलत है, परंतु आज जो मैंने देखा है, साफ सफाई अच्छी है, भोजन अच्छा है, सबसे मैंने पूछा है, सबने बताया भोजन अच्छा है, और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे, डीजी जेल भी हमारे साथ आए हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायात्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के जो जेल के अंदर है, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा, साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक ऑफ, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायात्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के जो जेल के अंदर है, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा, साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश करें। सर उसी व्यवसाय के अंतर्गत कैंटीन खोली गई थी, उसी कैंटीन से जो है वो नस्ली दवाएं बरामद हुई है, किस तरीके से जांच करवाएंगे? अभी मुझे मालूम नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, मैं पता कर लेता हूँ। था नहीं है, मतलब वो आप कह रहे हैं एक प्रकार से अपमान है वो, जैसा नहीं, किस चीज के लिए? बंद के लिए,
नहीं पीतर पक्ष नहीं खरीदना चाहिए ऐसा जब मान सकते हैं तो पीतर पक्ष में नए लोगों का स्वागत कैसे नहीं देखिए पीतर पक्ष में नया चीज खरीदना या नहीं करना शुभ कार्य करना या नहीं करना या अपने बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं मतलब में उसमें तो जो आपकी मान्यता है भावना है जो आपने परंपरा से परिवार में सीखा है उसका मैं सोचता हूँ पालन करिए उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है भाई तर्क वितर्क हर चीजों में नहीं किया जाना चाहिए ना ही इसकी आवश्यकता सर मंत्री जी गृह मंत्री जी एक सवाल ये है कि जो कबीर धाम में लोहारी में जो घटना हुई है उसमें बड़ी चूक हुई है इसी कारण जो है सर्जरी देखिए लोहारीडी की घटना तीन अलग अलग घटनाएं हुई एक पहले एक मृत्यु हो गई जो मध्य प्रदेश की सीमा में थी दूसरा फिर यहाँ पर एक आगजनी घटना हुई जिसमें रघुनाथ साहू जल गए उनकी पत्नी भी 80% जल गई और उसके आरोप हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने मिलकर के कर दिए फिर जो पुलिस की पुलिस में जो सर्जरी हुई है मतलब वो अब अंतिम गिरफ्तारी के समय जो विषय आया उसके कारण थोड़ा वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता था ठीक है थैंक यू सर लंबे तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जो कि दुर्ग जेल में हुई मौत पर बेबाकी से बोल रहे थे इसके अलावा उन्होंने लोहारीडी गांव में हुए बवाल पर भी बहुत कुछ जानकारी दी और विपक्ष को कायदे से घेरा देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें नमस्कार स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनेपन का तीरंदाज।